हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एमपी स्पेशल के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर तक एमपी की जनसंख्या के बारे में देख चुके थे। अब इसमें बात करते हैं हम लोग संभाग एमपी के और जिलेवाई अध्ययन करते हैं। संभागों को भी देखेंगे और हम सभी जिलों को भी देखेंगे, ठीक है, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जबलपुर संभाग। याद रखिए, जबलपुर संभाग यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है एवं सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी है। इसमें दो बातें याद रखना है। जबलपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जबलपुर संभाग और सर्वाधिक साक्षरता दर है यहाँ, ठीक है। फिर दूसरा है इंदौर संभाग। तो यह दूसरा बड़ा संभाग है और मुख्यालय है इसका इंदौर। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है इंदौर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो इंदौर में भी याद रखिए न्यूनतम साक्षरता दर है यहाँ इंदौर संभाग में और सबसे अधिक जनसंख्या है। जबलपुर में क्या था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग भी जबलपुर था। फिर भोपाल संभाग की बात करते हैं। यहाँ मुख्यालय राजधानी है भोपाल की, भोपाल। फिर है ग्वालियर संभाग हमारा। ग्वालियर संभाग, ग्वालियर मुख्यालय है इसका, मुख्यालय ग्वालियर। रीवा की बात करें तो रीवा है इसका मुख्यालय। उज्जैन संभाग, उज्जैन है मुख्यालय। सागर संभाग, सागर है इसका मुख्यालय। चंबल संभाग, इसका मुख्यालय मुरैना में है। याद रखिए चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है, मुरैना में। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग है अपना चंबल संभाग। तो दो बातें याद रखना है चंबल संभाग में, मुख्यालय इसका मुरैना में है चंबल संभाग का, और यहाँ सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। फिर हमारा नर्मदापुरम संभाग, इसका मुख्यालय है होशंगाबाद में, याद रखिए। शहडोल संभाग, तो इसका मुख्यालय है शहडोल में, जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग है। 14 जून 2008 में शहडोल संभाग का गठन हुआ था। तो एमपी में कितने संभाग हैं, 10, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अब बात करते हैं हम लोग उज्जैन संभाग की। उज्जैन संभाग को देखते हैं, इसमें जो जो जिले शामिल हैं उन सभी को देखते हैं, ठीक है। उज्जैन, तो इसमें जिले कौन कौन से, नीमच है उज्जैन जिले में, नीमच, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगर। तो कितने ज़िले हैं इसमें, 7 ज़िले हैं उज्जैन संभाग में, 7 ज़िले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नीमच जिला की। तो नीमच की जनसंख्या कितनी है, नीमच जिले की 8,25,958। नीमच का क्षेत्रफल कितना है नीमच जिले का, 4,256 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई थी नीमच जिले की, 10 जून 1998 में मंदसौर से लग करके। गवर्नमेंट ओपीएम एंड एल्केलाइट फैक्ट्री भारत सरकार की यही है। मेला लगता है यहाँ नीमच में, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है। 3 जून 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में नीमच से ही प्रारंभ हुई थी। CRPF का ट्रेनिंग सेंटर भी है नीमच में, याद रखना। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झांतला ग्राम स्थापित हुआ, 10 ग्राम पंचायतों को मिलाकर नीमच में ही। नीमच, जावद, जावद, मानसा तीनों तहसीलों को मिलाकर 1998 में जिला बना। नीमच का आकार हृदय जैसा है, याद रखिए नीमच का आकार कैसा है, हृदय जैसा। कुकड़ेश्वर महादेव व भदवा माता का मंदिर भी है नीमच में। फिर बात करते हैं हम लोग मंदसौर के बारे में। दूसरा जिला है उज्जैन संभाग का मंदसौर। तो यहाँ की जनसंख्या है 13,39,832। मंदसौर का क्षेत्रफल है 5,535 वर्ग किलोमीटर। स्थिति है मंदसौर शिवना नदी के किनारे स्थित है। मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन नाम क्या है, दसपुर है मंदसौर का। पशुपति नाथ मंदिर
हूट तालाब शिवानी की खाड़ी मंदसौर में ही स्थित है। स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना, स्टार्च फैक्ट्री, जीवाजी राव शुगर मिल और वर्धमान फैब्रिक्स मंदसौर में ही है। मुख्य फसल क्या है? अफीम है मंदसौर की। याद रखिए प्रमुख उत्पादक है मंदसौर अफीम में। यशोवर्धन का मंदसौर अभिलेख जुलाहा सैंडी द्वारा सूर्य मंदिर हेतु दान का उल्लेख है इसमें। भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया गया था। ठीक है, गांधी सागर बांध को चंबल नदी पर स्थित है जिसकी विद्युत क्षमता है 115 मेगावाट। गांधी सागर अभ्यारण्य इसमें नील गाय, चिंकारा, तेंदुआ, रावड़ की पूजा होती है मंदसौर में। रावड़ का ससुराल माना जाता है मंदसौर को। राजस्थान के 4 जिलों से घिरा हुआ है जिला मंदसौर। गांधी सागर मंदसौर को 2 भागों में बांटता है, पूर्वी मंदसौर और पश्चिमी मंदसौर। हिंग लाजगढ़ पहाड़ी किला है यहाँ। पिपल्या मंडी में वट्टी पास पारसनाथ जैन मंदिर भी है, भादवा माता मंदिर भी है, सभी हिंदुओं के आराध्य देवी हैं। भीलों द्वारा पितिवश पूजा की जाती है। सीतामऊ ऐतिहासिक स्थल है मंदसौर में। चंदवासा में धर्मराज राजेश्वर मंदिर भी है। मध्य प्रदेश में एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। याद रखिए मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है? मंदसौर में। अब उज्जैन संभाग के अगले जिले की बात करते हैं, रतलाम। कौन सा? रतलाम, रतलाम जिला। तो यहाँ की जनसंख्या है 14,54,483 और रतलाम का कितना है क्षेत्रफल? कितना है? 6,196 वर्ग किलोमीटर। उपनाम क्या है रतलाम का? सेब नमकीन की नगरी। सेब नमकीन की नगरी भी बोला जाता है रतलाम को। सेल कड़ी उद्योग जावरा तहसील के में शुगर मिल और रतलाम में अफीम की खेती भी होती है। सैलाना फिलोरिकन अभ्यारण इसी में खरमौर का संरक्षण किया गया है रतलाम में। रतलाम में त्रिवेणी मेला भी लगता है। गंगा सागर एक तालाब है जिसे पिकनिक पॉइंट बनाया गया, ये कहाँ है? रतलाम में। जावरा की हुसैन टेरी जो चमत्कारी सिद्ध इलाज हेतु प्रसिद्ध है, ये रतलाम में। IPCA प्रसिद्ध दवा कंपनी कहाँ है? रतलाम में। लोटस टेम्पल कहाँ है? रतलाम में। सुगोद में जैन मंदिर भी रतलाम में ही है, याद रखना। आगे देखते हैं उज्जैन संभाग में अगला जिला है उज्जैन ही। तो उज्जैन की जनसंख्या कितनी है? 19,86,597। यहाँ का उज्जैन का क्षेत्रफल कितना है? 6,091 वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम क्या है उज्जैन का? अवंतिका। उपनाम क्या है उज्जैन का? महाकाल की नगरी भी बोला जाता है। मंदिर एवं मूर्तियों का नगर भी बोला जाता है उज्जैन को। सिंहस्थ मेला लगता है 12 वर्ष बाद उज्जैन में। नांगदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। कॉटन सीड्स साल्वेंट प्लांट भी है यहाँ। पर्यटन स्थल की बात करें उज्जैन में तो बृहद हरि गुफाएँ, संदीपनी आश्रम, बड़े गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, कालिया देवी मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, जंतर मंतर मंदिर। मध्य प्रदेश की एकमात्र वैधशाला है, याद रखिए जंतर मंतर केंद्र है उज्जैन में, मध्य प्रदेश का की एकमात्र वैधशाला। चंपा की बावड़ी है यहाँ। मंगलनाथ मंदिर है, प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर है। बेस्ट टेकरी स्तूप है यहाँ, दुर्गादासी की छतरी है। कालिदास अकादमी है उज्जैन में। रूपाड़ी तेजाजी का प्रसिद्ध स्थान भी है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है उज्जैन। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में कहाँ है? उज्जैन में। विश्व का एकमात्र स्थान 21 जून को सूर्य 90 डिग्री लंबवत होता है उज्जैन में, इसे भी याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ 21 जून को सूर्य 90 लंबवत
90 डिग्री लंबवत होता है। आगे बात करते हैं उज्जैन के बारे में। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी है कहाँ? उज्जैन में। 600 ईसा पूर्व में भारत के ईसापुर में 600 ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में शामिल अवंती की को राजधानी उज्जैन थी। महेतपुर शक्कर कारखाना उज्जैन में है। फाड़नी संस्कृत महाविद्यालय भी यही है उज्जैन में। गोपाल मंदिर भी है उज्जैन में। सिंधिया प्राचीन शोध संस्थान भी है उज्जैन में। याद रखिए सिंधिया प्राचीन शोध संस्थान कहाँ है? उज्जैन में। क्योंकि याद रखना इसे घुमा सकता है, सब लोग सोचेंगे ग्वालियर में, लेकिन याद रखना सिंधिया प्राचीन शोध संस्थान उज्जैन में है। 24 खंभा भी है यहाँ उज्जैन में। विक्रम यूनिवर्सिटी भी है उज्जैन में। अब उज्जैन संभाग के अगले जिला की बात करें हम लोग, तो अगला है हमारा देवास। देवास की जनसंख्या है 15,63,107। यहाँ का क्षेत्रफल है देवास का 7,020 वर्ग किलोमीटर। देवास में ऐसे ट्रैक्टर की फैक्ट्री भी है। देवास में चमड़ा कॉम्प्लेक्स है संयंत्र। देवास टाटा का असेंबली सेंटर भी है। मंगोलिया में गैस बाटलिंग प्लांट भी है। एस कुमार शूटिंग एवं शर्टिंग देवास में है। जमगोद रानी में और जस्सू रजोदा में पवन संयंत्र रेनबैक्सी कंपनी है। मंदिर की बात करें देवास में, तो चामुंडा देवी का मंदिर भी है देवास में। याद रखिए चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ है? देवास में। नोट छापने का कारखाना 5 रुपये से अधिक कीमत के नोट देवास में छपते हैं। नोट छापने का कारखाना एमपी में कहाँ है? देवास में। ये उज्जैन संभाग में। पीपीरी में अभ्यारण प्रस्तावित है वो देवास में। ISO प्रमाणित पहला थाना है देवास। ISO प्रमाणित पहला थाना कौन सा है? देवास। ISO प्रमाणित पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय है देवास। देवास के बागली गांव से काली सिंध नदी निकलती है। याद रखिए देवास के बागली गांव से काली सिंध नदी निकलती है। आगे बात करते हैं, देवास बागली में ही हनुमान जी की 20 फिट का प्राचीन मंदिर भी है। हॉट पीपल्या पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का गृह क्षेत्र भी है देवास में। अब उज्जैन संभाग के अगले जिले की बात करते हैं हम लोग, शाजापुर। शाजापुर जिला, तो शाजापुर की जनसंख्या कितनी है? 15,12,353। शाजापुर का क्षेत्रफल कितना है? 6,196 वर्ग किलोमीटर। शाजापुर राजस्थान से लगा पश्चिमी जिला है। मक्सी तहसील में डाबर का संयंत्र है शाजापुर में। मोवन बड़ौदिया मेला भी लगता है शाजापुर में। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा है शाजापुर में। रावण की पूजा होती है शाजापुर में। पूर्व नाम है इसका रावण करखेड़ी। सुजालपुर व काला पीपल को प्रसिद्ध अनाज मंडी भी शाजापुर में। शाहजहाँ के नाम पर शाहजहाँपुर हुआ, फिर शाजापुर हुआ, शाजापुर इसका नाम हुआ। वर्सी दरगाह है शाजापुर में है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली भी देवास में है। याद रखिए नलखंडा का प्रसिद्ध मंदिर भी देवास में है। सॉरी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली कहाँ है? शाजापुर में। नलखंडा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? शाजापुर में। शाजापुर जिले की बात कर रहे हैं हम लोग। जामा मस्जिद का प्यारूप भी यही है। चिलर झील के तट पर किला है यहाँ शाजापुर। अब उज्जैन संभाग में अगले जिले की बात करते हैं हम लोग, आगर जिला। आगर जिला नवनिर्मित 51वां जिला है। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके बनाया गया था आगर जिला। तहसील है आगर में आगर बड़ौद सुनसेर व नलखेड़ा। उपखंड है आगर सुसनेर।
जनसंख्या की बात करें तो 480 लाख, 4,80,000 होगी यहाँ की जनसंख्या। 52% पुरुष हैं, 48% महिलाएं। क्षेत्रफल है यहाँ 2,785 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है यहाँ 65%। आगरा की कोटा इंदौर राजमार्ग 27 पर अवस्थित है। पिथम गो अभ्यारण्य, देश का पहला गाय अभ्यारण्य, याद रखिए। सुसनेर तहसील आगर मालवा में, याद रखिए इसे। पिथम गौ अभ्यारण्य आगर जिला में है, सुसनेर तहसील में। 10वीं शताब्दी में परमार साम्राज्य की अवंतिका के साथ राजधानी थी आगर। मुगल काल में यह सबसे चर्चित पर्यटन स्थल था आगर जिला। मोती सागर बड़ा तालाब, रतन सागर रतौड़िया तालाब यही है आगर में। काली सिंध नदी पर परसुखेड़ी बांध भी बना हुआ है यही आगर में। इसके अलावा पिपलिया कुमार व तिलार बांध बना हुआ है आगर में। बैजनाथ महामंदिर महादेव मंदिर, जिसे एक ब्रिटिश कालीन कर्नल की पत्नी ने अपने पति के अफगानिस्तान युद्ध में बचने पर बनवाया था, ये आगर में है। आगे बात करते हैं, मंदिर गुफा वरदा, तुलजा भवानी मंदिर, केवादा स्वामी, काल भैरव मंदिर, कमल कुडली, रणछोड़ मंदिर, रानी सती, दादी जी का मंदिर, चिंताहरण गणेश मंदिर, ये सभी आगर में हैं। आगर लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है आगर जिला। उज्जैन संभाग को बात देख लिया हमने, अब बात करते हैं हम लोग अगले संभाग की, इंदौर संभाग। कौन सा? इंदौर। तो इंदौर में कितने जिले हैं? इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, यानी कि 8 जिले हैं, ठीक है। इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, ठीक है, इंदौर संभाग में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंदौर जिले की बात करते हैं, ठीक है। तो इंदौर की जनसंख्या कितनी है? इंदौर जिले की 32,72,335, 32,72,335। इंदौर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3,898 वर्ग किलोमीटर। इंदौर को मिनी बॉम्बे भी बोला जाता है, औद्योगिक राजधानी भी बोला जाता है इंदौर को। प्राचीन नाम है इंदपुर इंदौर का। होलकर वंश की राजधानी भी रहा है इंदौर, ठीक है। भारत में एकमात्र शहर जहां IIT और IIM दोनों हैं, याद रखिए, भारत में एकमात्र शहर इंदौर ऐसा है जिसमें IIT और IIM दोनों हैं। मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट केंद्र भी है इंदौर में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स भी है इंदौर में। इंदौर एयरपोर्ट DAV एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया जा रहा है, ठीक है, इंदौर एयरपोर्ट को। डॉक्टर अंबेडकर सोशल राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट मऊ में स्थित है, इंदौर में ही डॉक्टर अंबेडकर सोशल राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट मऊ में। जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है कहाँ? इंदौर में। आगे बात करते हैं इंदौर के बारे में, राला मंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य इंदौर में ही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। एशिया में प्रथम एवं विश्व में तीसरा लेजर अनुसंधान कहाँ है? इंदौर में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन है? इंदौर। मध्य प्रदेश का प्रथम डेंटल कॉलेज कहाँ है? इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंदौर में, याद रखिए, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंदौर में। महू में सैनिक छावनी है। पशु चिकित्सालय कॉलेज कहाँ है? इंदौर में। जावा पावा चंबल नदी का उद्गम स्थल, ऋषि जमादाग्नि और परशुराम की तपोभूमि कहाँ है? इंदौर में ही, इंदौर जिले में। गुम्मटगिरी जैन मंदिर प्रसिद्ध है इंदौर में ही। यशवंत
सागर इंदौर शहर को जल प्रदान करने वाला एकमात्र स्रोत है। कौन सा? यशवंत सागर। गौतमपुरा में हिंगोट मेला, जिसमें सांडों की लड़ाई व मनुष्य अग्निबाण से लड़ाई करते हैं, इंदौर जिले में ही है। सिरपुर शहर, सिरपुर शहर इंदौर के इस तालाब को पक्षी विहार घोषित किया गया है। छिप्रा नदी काकड़ीवाड़ी से निकलती है, याद रखिए छिप्रा नदी काकड़ीवाली से निकलती है। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ है? इंदौर में। राज्य का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना कहाँ है? बरलाई, इंदौर में ही। दूर संचार अभियांत्रिकी सैनिक कॉलेज कहाँ है? महू में। पैदल सेना स्कूल कहाँ है? महू में। राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना अंबेडकर की जन्मभूमि महू में की गई, जो इंदौर जिले में ही है। अंबेडकर नगर महू का नया नाम है। पोलो ग्राउंड प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, जहां प्रमुखता रसायन एवं प्लास्टिक उद्योग हैं, इंदौर जिले में ही है। कपड़ा उद्योग जिला का प्रमुख उद्योग है इंदौर का। अब इंदौर संभाग में अगले जिले की बात करते हैं हम लोग, खरगोन। कौन सा? खरगोन जिला पश्चिमी निवाड़। ठीक है, तो जनसंख्या खरगोन की कितनी है? 18,72,413। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है खरगोन का, पश्चिमी निवाड़ का? 8,030। फसल रंगीन सुनहरे कपास के उत्पादन में राज्य में के चार जिलों में से एक है। सिंगाजी का मेला भी लगता है खरगोन में, पश्चिमी निवाड़ में। दो जिला देवदा, इस गांव में कुंडा नदी पर मिट्टी बांध, जिसकी सिंचाई क्षमता 8,000 हेक्टर है। प्रसिद्ध कसरावद स्तूप कहाँ है? खरगोन में, पश्चिमी निवाड़ में। मंडलेश्वर ऐतिहासिक स्थल तथा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, खरगोन में, पश्चिमी निवाड़ पर। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर भी है यहीं। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी, खरगोन में ही है। उन चंदेल परमार शैली के अनेक मंदिर भी हैं यहाँ खरगोन में। CISF का प्रशिक्षण केंद्र बड़वा है यह खरगोन में। लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम मनु कड़िका था। महेश्वर की साड़ी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। सिरबल महादेव, यहाँ पर शिव मंदिर भी है, रावण ने अपना सिर महादेव को अर्पित किया था, ये वही मंदिर है खरगोन में। बकवा नर्मदा के पत्थरों से निर्मित शिवलिंग यहीं पर है। रावर खेड़ी मराठा वैश्वा बाजीराव की समाधि है। सर्वाधिक हाइड्रेम जलपंप खरगोन जिले में ही स्थित है। याद रखिए कपास अनुसंधान केंद्र भी है यहीं। देश का पहला मोबाइल बैंक भी है खरगोन में, और हाइडल पावर प्लांट भी है खरगोन में। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंदौर संभाग में अगले जिले की बात करते हैं। खरगोन के बाद खंडवा पूर्वी निवाड़ बोला जाता है। खरगोन को क्या बोला जाता है? पश्चिमी निवाड़, और खंडवा को पूर्वी निवाड़। तो खंडवे जिला में कितनी जनसंख्या है? 13,09,443। क्षेत्रफल कितना है खंडवा का? 7,349 वर्ग किलोमीटर। 1956 के पूर्व यह निवाड़ जिले के रूप में महाकौशल का हिस्सा था खंडवा। खालवा नामक जगह से मध्य प्रदेश का पहला कोरकू जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र शुरू हुआ, जो खंडवा में। गांजा उत्पादक जिला एवं राज्य का कपास जिला भी है खंडवा। 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर से अलग कर बना था खंडवा। तो याद रखिए 15 अगस्त 2003 को खंडवा जिला बना। किशोर कुमार की समाधि जन्मस्थली, किशोर कुमार की स्मृति में गौरी कुंज का निर्माण कराया गया था यहाँ खंडवा में। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है यहाँ खंडवा में, ओमकारेश्वर। छनेरा ग्राम
हरसूद जो इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गया। 79 ग्राम इंदिरा सागर परियोजना स्थापित है। मानव निर्मित भारत का सबसे बड़ी झील है नागचुक बांध। खंडवा इसी से पानी मिलता है खंडवा को। माखनलाल चतुर्वेदी तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्म स्थली है खंडवा। खंडवा क्षेत्र का आकार छोटू आकार का है। राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है ओकारेश्वर मध्यता। मंदिर है तुलजा भवानी मंदिर का और धनी वाले दादाजी दरवान एक खंडवा में। अब इंदौर संभाग में अगला जिला की बात करते हैं हम लोग। बुरहानपुर, कौन सा? बुरहानपुर जिला। तो बुरहानपुर की जनसंख्या कितनी है? 756,993। क्षेत्रफल कितना है बुरहानपुर जिले का? 3,427 वर्ग किलोमीटर। 2003 में खंडवा से पृथक होकर बना यह जिला महाराष्ट्र से सटा हुआ है। बुरहानपुर 2003 में खंडवा से पृथक होकर बना था। यह जिला महाराष्ट्र से सटा हुआ है। इसे दक्षिण प्रदेश का दरवाजा कहते हैं। नेपा नगर कहाँ है? बुरहानपुर में ही है। नेशनल न्यूज पेपर प्रिंट कारखाना भी है यहाँ नेपा नगर में। नेपा नगर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र क्षमता सबसे कम उत्पादन हुए ये भी यही है। मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा कॉलेज कहाँ है? बुरहानपुर में। याद रखिए मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा कॉलेज कहाँ है? बुरहानपुर। अहू खाजा में मुमताज को पहले दफनाया दिया गया था बाद में ताजमहल में। तो याद रखिए अहू खाना में मुमताज को पहले दफनाया गया था बाद में ताजमहल में। असीरगढ़ के किले को अकबर ने 1601 में जीता था। कमरगढ़ मलयगढ़ असीरगढ़ को 3 किलों का समूह कहा जाता है। असीरगढ़ में शाहजहां की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र भी है। खूनी भंडारा बुरहानपुर की मुगलकालीन जलप्रदाय व्यवस्था है। बुरहानपुर खाकनार नेपानगर 3 तहसीलें हैं इसमें बुरहानपुर। गांजा उत्पादन में शीर्ष जिला है बुरहानपुर। एक ताप्ती नदी के में तट पर स्थित है बुरहानपुर। शेख बुरहान दीन द्वारा अपने नाम पर बसाया गया था बुरहानपुर जिला। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बीबी की मस्जिद बादशाही किला जामा मस्जिद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? बुरहानपुर में। राजा औरंगजेब ने जयसिंह की मृत्यु पर छतरी बनवाई थी बुरहानपुर में। बुरहानपुर हथकरघा औद्योगिक केंद्र भी है। अब इंदौर संभाग में अगला जिला है बड़वानी। तो बड़वानी जिले की जनसंख्या कितनी है? 13,85,659 बड़वानी। बड़वानी जिले का क्षेत्रफल बताएं तो बड़वानी जिले का क्षेत्रफल है 5,422 वर्ग किलोमीटर। बड़वानी जिले की स्थापना कब हुई? 25 मई 1998 से खरगोन से अलग होकर बना था। बड़वानी जिले सिसोदिया वंश की राजधानी रहा है बड़वानी। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी में। 52 फीट ऊंची आदिनाथ जी की मूर्ति को सबसे ऊंची है ये विश्व की कहाँ है? बड़वानी में। अन्य नाम क्या है? बड़नगर और सिद्धनगर। बड़नगर सिद्धनगर बड़वानी के अन्य नाम है। 52 गजा जैन तीर्थ 11 मंदिरों का समूह है बड़वानी में ही स्थित है। बीजासन का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर कहाँ है? बड़वानी में। भावरगढ़ का प्रसिद्ध किला कहाँ है? बड़वानी में। सेंधवा तहसील महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश की कपास मंडी है यहाँ। सेंधवा मध्य प्रदेश को सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाला बेरियल है कहाँ है? बड़वानी में। 2007-08 में एक दिन का सर्वाधिक तापमान यहीं दर्ज किया गया था बड़वानी में। अब उज्जैन संभाग में अगला जिला है हमारा धार। क्या है? धार। धार जिला की बात करें तो संख्या है यहाँ धार की 21,84,672। क्षेत्रफल कितना है यहाँ का धार का?
8153 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला है धार जिला। मांडू के महल 56 महल, रूपमती महल है धार जिले में। होसंग शाहे का मकबरा भी है धार जिले में, जहाज महल भी है धार जिले, बाकी गुफाएं भी है धार जिले में गुप्तकालीन। हिडोला महल भी है, ग्यासुद्दीन ने बनवाया था ये धार जिला में। पुरातात्विक जनजातीय सांस्कृतिक म्यूजियम कहाँ है धार जिले में। धार जिला परमार वंश की राजधानी थी। मांडू को सिटी ऑफ ज्वाय कहते थे, मांडू को सिटी ऑफ ज्वाय कहते हैं, ये कहाँ है धार जिला में। पीथमपुर धार को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल केंद्र कहते हैं। पीथमपुर में प्रदेश का पहला सेज यूनिकैम कंपनी का है या निर्यात संवर्धन पार्क है धार जिला में। राजा भोज निर्मित भोजशाला कहाँ है, सरस्वती का मंदिर है धार जिला में। सरदारपुर अभ्यारण खरमौर का संरक्षण कहाँ है धार जिला में। डायनासोर जीवाश्म पार्क 2007 में जीवाश्म मिले थे यह धार जिले में। ज्ञान दूत परियोजना की यहीं से शुरुआत हुई है धार जिले में। भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रेन कहाँ है धार में। मोहनखेड़ा प्रसिद्ध जैन तीर्थ 16 फीट की आदिनाथ की मूर्ति है यहीं। चारा बनाने का संयंत्र भी कहाँ है धार जिले में। अब बात करते हैं इंदौर संभाग में अगला जिला है झाबुआ जिला। तो झाबुआ की जनसंख्या कितनी है 10,24,091 और झाबुआ का क्षेत्रफल कितना है बताओ 3,596 वर्ग किलोमीटर। गुजरात एवं राजस्थान की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है। याद रखिए झाबुआ जिला की सीमा गुजरात और राजस्थान को छूती है। रेल रिपेयर फैक्ट्री कहाँ है झाबुआ में। मक्का उत्पादन हो यहाँ फसल है मुख्य। भगोरिया हाट मेला लगता है झाबुआ में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है झाबुआ। भील भिलाला जनजातियों का घर कहाँ है झाबुआ में। गोल गधेड़ों विवाह भील जनजाति में होता है। आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ है झाबुआ में। मेघनगर में रॉक फास्फेट खनिज पाया जाता है, सीमेंट चादर बनाने वाला झाबुआ में। सोनार नदी के तट पर देवी झीरी नामक देव स्थल कहाँ है ये भी झाबुआ में। जल ग्रहण मिशन में राज्य का शीर्ष जिला है झाबुआ। अब उज्जैन संभाग के अगला जिला है हमारा अलीराजपुर चंद्रशेखर आज़ाद जिला। अलीराजपुर की जनसंख्या कितनी है 7,28,677। क्षेत्रफल कितना है अलीराजपुर का 3,182 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई अलीराज की तो 17 मई 2008 को झाबुआ से पृथक करके। राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है अलीराजपुर में। याद रखिए राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है अलीराजपुर। भगोरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है अलीराजपुर। जोबट मान परियोजना नर्मदा के पिबार क्षेत्र में है अलीराजपुर में। अलीराज की मुख्य फसल क्या है मक्का उत्पादन होता है। न्यूनतम साक्षरता दर है अलीराजपुर में 37.68%। अलीराजपुर में डोलोमाइट पाया जाता है खनिज। 3 तहसीलें अलीराजपुर भावरा चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि है भावरा और जोवट। कट्ठीवाड़ा अभ्यारण प्रस्तावित है याद रखिए अलीराजपुर में। आम के लिए प्रसिद्ध है कट्ठीवाड़ा झरना है भी ये यहीं ठीक है। तो ये था हमारा इंदौर संभाग। अगला संभाग है हमारा कौन सा है अगला संभाग भोपाल।
भोपाल संभाग, तो भोपाल में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं पहले यही बात देख लेना। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले भोपाल संभाग में, 5 ज़िले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल ज़िले की। भोपाल ज़िले की जनसंख्या कितनी है? 23,68,145। भोपाल ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? 2,772 वर्ग किलोमीटर। राजा भोज द्वारा बसाया गया भोजताल वर्तमान भोपाल है। 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला बनाया गया, पहले ये सीहोर की तहसील थी। प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 854 प्रति प्रति वर्ग किलोमीटर में, 854 यहाँ का जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा। झीलों का शहर उपनाम से नामित है भोपाल, झीलों का शहर भी बोला जाता है भोपाल को। ईसरो का उपग्रह केंद्र भी है भोपाल में, याद रखना। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM एशिया का पहला संस्थान है भोपाल में। उन्नत सार प्रजनन केंद्र भदभदा भोपाल जिले में ही है। जनसंख्या वृद्धि दर में द्वितीय स्थान पर है भोपाल, प्रथम पर कौन था? इंदौर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में 76.6% भोपाल है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? भोपाल जिले में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है भोपाल। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 1985 में बना, ये भोपाल में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। पंडित कुंजीलाल विधि कॉलेज कहाँ है? भोपाल में। पंडित कुंजीलाल विधि कॉलेज है भोपाल में। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? भोपाल में। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भोपाल में। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत कहाँ है? भोपाल में। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कहाँ है? भोपाल में। पर्यावास भवन कहाँ है? भोपाल में। गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ है? भोपाल में। संग्रहालयों की बात करें तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बिड़ला म्यूजियम, माधव राय सप्पे पत्रकारिता, राज्य संग्रहालय, दूर संचार संग्रहालय, ये भोपाल में ही। पर्यटन स्थलों की बात करें तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान, गोहर महल, ताजुल मस्जिद में। भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली है। सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी ये भोपाल में ही है। आकार गुड़िया घर ये भी भोपाल में। इस्लाम नगर का किला भोपाल में। कमला पार्क, बिड़ला मंदिर ये भी भोपाल में। मछली घर भी भोपाल में। सामसगढ़ जैन तीर्थ ये भी भोपाल जिले में ही है। सारू मारू की प्रसिद्ध गुफाएं, बड़वा खेड़ी का राम लला मंदिर भी भोपाल में। गुमसुद्दीन शाह द्वारा निर्मित जामा मस्जिद भोपाल में ही। प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल 2006 में भोपाल की बड़ी झील में शुरू हुआ था, याद रखना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की औद्योगिक इकाई बेटेन के सहयोग से भेल भोपाल में ही स्थापित हुई। मैदा मील कहाँ भी है? भोपाल में। रेलवे कोच फैक्ट्री निशांतपुरा कहाँ है? भोपाल जिले में ही। MCF मास्टर फैसिलिटी सेंटर 2007 में इसरो द्वारा उपग्रह नियंत्रण केंद्र घोषित किया गया था, भोपाल में ही है। HSADTL हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी भारत की एकमात्र भोपाल में ही है। सीमेट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सीमेंट की स्थापना दिसंबर 2009 में भोपाल में भी हुई। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई। सोया बिस्कुट बनाने का कारखाना भोपाल जिले में ही है। नरोनहा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में। साई का क्षेत्रीय कार्यालय गोरागांव भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में, याद रखना। ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में।
भारत सरकार का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? भोपाल में। पिथम टीवी स्टूडियो भोपाल में। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। सर्वाधिक हिंदी विश्वविद्यालय वाला जिला है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में। ये राजा भोज खुला विश्वविद्यालय भोपाल में। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में। दो समकक्ष विश्वविद्यालय MANIT सरोजनी नायडू विश्वविद्यालय भोपाल में ही है। अब बात करते हैं भोपाल संभाग में, अगला है जिला हमारा सीहोर। सीहोर जिला, तो सीहोर जिले की जनसंख्या कितनी है? 13,11,008। सीहोर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 6,578 वर्ग किलोमीटर। सीहोर जिले का पूर्व नाम क्या है? सिद्धवापुर। समकंसपुर मेला सीहोर में लगता है। बुहानी में रेल स्लीपर बनाए कारखाना है सीहोर में। भोपाल शुगर मिल सीहोर में। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे चैन सिंह सीहोर के ही थे। नरसिंहगढ़ का युवराज चैन सिंह ये भी सीहोर जिला में ही है। नदियाँ आष्टा तहसील से पार्वती नदी, कोलार नदी का उद्गम एवं कोलार जलाशय परियोजना सीहोर जिले में ही है, याद रखिए। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय कहाँ है? देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर में है। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र बुधनी सीहोर में जिले में ही है। सीहोर का पूर्व नाम सिद्धपुर सिवान नदी के नाम पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुहानी से विधायक तथा सीहोर गृह जिला है उनका। पान गुडारिया बुधनी से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए सीहोर में ही है। अगला जिला है भोपाल संभाग में विदिशा जिला। तो विदिशा की जनसंख्या कितनी है? 21,00,000। विदिशा की जनसंख्या है 14,58,212। 14,00,000 है, याद रखिए यहाँ। विदिशा की जनसंख्या है 14,58,212। विदिशा जिला का क्षेत्रफल है 7,371 वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम है विदिशा का, प्राचीन नाम है भेलसा, महामालिस्तान या बेसनगर। पर्यटन स्थल की बात करें विदिशा में तो उदयगिरी की गुफाएं भी हैं। जैन तीर्थकर शीतलनाथ की जन्मस्थली है विदिशा। उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर, परमार वंश का समकालीन ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर कहाँ है? विदिशा में ही। भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बेसनगर में विदिशा में ही है। विदिशा की फसल है चना, सब अधिक होता है यहाँ विदिशा में। वनस्पति घी उद्योग, प्लास्टिक पाइप उद्योग हेतु प्रसिद्ध है विदिशा। राजस्थान से प्राप्त सिरोज तहसील यहीं सम्मिलित हुई थी। विदिशा में सम्राट अशोक सागर हलाली डैम परियोजना विदिशा में ही है। अशोक सम्राट इंजीनियरिंग कॉलेज, याद रखिए सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहीं से पहले सांसद थे विदिशा से। अशोक की रानी महादेवी यहीं की थी। कुरवाई प्रसिद्ध मंडी विदिशा में ही। अब भोपाल संभाग में अगला जिला है हमारा क्या है? रायसेन जिला, ठीक है। तो रायसेन की जनसंख्या की बात करें 13,31,699 है। रायसेन जिले का क्षेत्रफल देखें तो 8,466 वर्ग किलोमीटर है। औद्योगिक महत्व वाला जिला है रायसेन। मंडदीप देश की पहली फाइबर ऑप्टिकल फैक्ट्री
मध्य प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र दवा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है मंडदीप, ठीक है। ये कहाँ है? मंडदीप रायसेन में। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट फैक्ट्री एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री है, ये रायसेन में। ये नदी की बात करें तो रायसेन के कुम्हरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। अभ्यारण्य की बात करें तो रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ है? रायसेन में। मैगेंद्रनाथ गुफा पाटनी प्रागैतिहासिक कालीन, ये कहाँ है? रायसेन में। विश्व धरोहर सांची स्तूप रायसेन में ही है। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी है भीमबेटका। विश्व का सबसे बड़ा शैलाश कहाँ है? रायसेन में। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में है, ये है रायसेन में। भाजपुर में मकर संक्रांति शिवरात्रि व एवं बसंत पंचमी पर मेला लगता है। इसे पूर्व का सोमनाथ कहते हैं, इसे पूर्व का सोमनाथ कहते हैं। किसे? रायसेन को। रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। कामखेड़ा मुगल कालीन प्रशासनिक मुख्यालय है रायसेन में। रायसेन में सांची ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक स्थल है। सांची अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप भारत में सबसे बड़ा मोगली पुत्र तिस की अस्थियां पर निर्मित है सांची। सांची स्तूप का प्रदक्षिणापथ शुंग शासक ने बनवाया था, ये रायसेन में, याद रखना। सांची अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय, सांची अभिलेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। स्तंभलेख जातक कथाएं उत्कीर्ण है इस पर। विशाल प्रवेश द्वार एक बौद्ध विहास सतधार स्तूप रायसेन में ही है जिले में। विशाल पाषाण पर निर्मित कटोरा भिक्षुओं का भोजन इसी में बनता था, ये भी सांची में। गुप्तकालीन मंदिर के भगनावशेष कहाँ? रायसेन जिले में। पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? रायसेन जिले में ही है, सांची में। अब बात करते हैं भोपाल संभाग में राजगढ़ जिले के बारे में। राजगढ़ जिले, तो राजगढ़ जनसंख्या कितनी है? राजगढ़ जिले की, राजगढ़ जिले की जनसंख्या है 15,46,541। राजगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? 6,154 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजगढ़ जिला नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजगढ़ जिले में। नरसिंहगढ़ का किला, रानी रूपमती का मकबरा, जालिया माता मंदिर, धरेल पहाड़ी का पशुपतिनाथ मंदिर, खोहरी महादेव मंदिर, भामगढ़ का हनुमान मंदिर, गिन्नौरगढ़ के किले के तोते प्रसिद्ध हैं राजगढ़ में ही, ये सभी। राजगढ़ देश का पहला ऐसा जिला है जिसने पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, बेरोजगार शिक्षित आदि का ब्यौरा दिया। ब्यौरा में राष्ट्रीय ब्यौरा में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौराहा भी है। चिड़ीखो, इसे मालवा का कश्मीर कहते हैं। 1978 में बने वन्य जीव अभ्यारण्य के मध्य झील है ये राजगढ़ में ही है। अब बात करते हैं अगला संभाग है हमारा होशंगाबाद। कौन सा? होशंगाबाद संभाग, नर्मदापुरम संभाग भी बोला जाता है। तो होशंगाबाद संभाग में कितने जिले हैं? होशंगाबाद हरदा बैतूल, होशंगाबाद हरदा बैतूल जिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं होशंगाबाद जिले की। तो होशंगाबाद जिला में कितनी जनसंख्या है? 12,40,975। क्षेत्रफल कितना है यहाँ का? 6,703 वर्ग किलोमीटर होशंगाबाद का। नर्मदा नदी के तट पर स्थित, जिसे होशंग शाह गौरी मांडूर नरेश ने बसाया था होशंगाबाद को। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में ही है। स्टील संयंत्र डोलारिया में प्रस्तावित है, ये होशंगाबाद जिले में ही है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो पचमढ़ी सतपोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पांडव गुफाएं, तवा डैम, सेटानी घाट, सनसेट पॉइंट, डचेस जलप्रपात, बोरा अभ्यारण्य, ये सभी होशंगाबाद जिले में ही है।
होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। होशंगाबाद सबसे अधिक सिंचित जिला है। भारत की दूसरी मदर दूध डेयरी पहली लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में, दूसरी है होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश हिल स्टेशन एकमात्र पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी में स्थित है। मानव जीवाश्म नर्वदेनसिस इथनोरा से मिला, यह होशंगाबाद जिले में ही। जड़ी बूटी बैंक जैव विविधता केंद्र पचमढ़ी में, जो होशंगाबाद जिले में ही। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म बाबई, बाबई ही माखन लाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है, होशंगाबाद जिले में ही है। इटारसी आयुध डिपो, ये भी यही है होशंगाबाद में। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, याद रखिए इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और भारत का कौन सा है? गोरखपुर, याद रखिए ये होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी है, ये कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। प्रसिद्ध तबाकुएला क्षेत्र कहाँ है? होशंगाबाद। वुल्फ्राम खनिज के लिए प्रसिद्ध है अगरिया। एमपी एग्रो मुरार जी खाद कारखाना रेसलपुर कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। सबसे लंबा नदी पुल मध्य प्रदेश का तावा नदी पर है, होशंगाबाद में, याद रखिए सबसे लंबा नदी पुल मध्य प्रदेश का कहाँ है? तावा नदी पर, होशंगाबाद जिले में। सिविल न्यायालय ऑनलाइन होने वाला पहला जिला कौन सा है? होशंगाबाद। आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी में, ये होशंगाबाद जिले में ही है। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद जिले में लगता है। नवपाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ यहीं पर है, होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद का गेहूं में प्रति हेक्टर उत्पादन में देश में पहला स्थान है। राज्य की दूसरी खुली जेल 2010 में स्थापित हुई, होशंगाबाद में। अब नर्मदापुरम में दूसरा जिला है संभाग में, हरदा जिला। हरदा, हरदा जिले की जनसंख्या है 570,302। क्षेत्रफल कितना है हरदा जिला का? 3,334 वर्ग किलोमीटर। हरदा खिरकिया टिमसी तहसील को मिलाकर 1998 में जिला बना हरदा जिला। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर, नेमाव तीर्थ नर्मदा तट पर है, एक आए हरदा में। बोरी अभ्यारण्य कहाँ है? हरदा में। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? हरदा। सर्वाधिक औसत जोत वाला जिला कौन है? हरदा। हंडिया ब्रिटिशकालीन प्रशासकीय क्षेत्र है, यहीं हरदा में। लोकमान्य तिलक ने एक बार, महात्मा गांधी ने चार बार हरदा की यात्रा की। हरदा के प्रोफेसर महेश दत्त मिस ने गांधी जी के अभिन्न सहयोगी थे। 15 अगस्त 1947 को बैराठा जी ने हरदा पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराया था। अब नर्मदापुरम संभाग में अगला जिला है बैतूल जिला। तो बैतूल जिले की जनसंख्या कितनी है? 15,75,247। क्षेत्रफल कितना है बैतूल का? 10,043 वर्ग किलोमीटर। भारत का मध्य बिंदु पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो बनना चाहते थे बैतूल जिला। बैतूल में कोरकू जनजाति पाई जाती है। बैतूल में ग्रेफाइट पाया जाता है। कोकरू में कॉफ़ी पैदा होती है बैतूल जिले में ही। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है। अभ्यारण काली भीत अभ्यारण में भालुओं का संरक्षण किया जाता है, ये बैतूल जिले में। मंदिर क्यों की बात करें बैतूल की, तो मठार देव सारणी मंदिर, बालाजी मंदिर बैतूल में स्थित है। सारणी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बैतूल में। आमला में वायु सेना की सैनिक छावनी है, ये कहाँ है?
बैतूल जिला में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल जहाँ जैन धर्म के 56 मंदिर हैं, ये बैतूल जिले में ही है। कोरकू जनजाति में सड़ोली पिता व चटकोरा नृत्य प्रसिद्ध है। विदेश की संतरा मंडी मुलताई बैतूल में ही है। पशु बाजार के लिए प्रसिद्ध है बैरूल, ये बैतूल में ही है। वन रक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बैतूल में। सालवरडी नामक ठंडे गर्म पानी का स्रोत एवं शिव गुफा बैतूल जिले में ही है। भोपाली का मेला कहाँ लगता है? बैतूल में। भैंस देही नामक बांस की बड़ी मंडी है बैतूल जिले में ही। अब बात करते हैं हम लोग जबलपुर संभाग की। जबलपुर संभाग, तो जबलपुर संभाग में कितने ज़िले हैं? जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर और साक्षरता दर भी जबलपुर में सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिए कितने ज़िले हैं? जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जबलपुर जिला की। जबलपुर जिला, जबलपुर ज़िले के बारे में बात करें तो इसकी जनसंख्या है 24,60,714। क्षेत्रफल कितना है जबलपुर का? 5,210 वर्ग किलोमीटर। पर्यटन स्थल क्या है जबलपुर में? मदन महल 1116 में बना, जो 64 योगिनी मंदिर का मंदिर, पेशनहारी की मड़िया, पीजनहरी जैन तीर्थ, माला देवी के मंदिर कहाँ हैं जबलपुर में? भेड़ा घाट धुआंधार जलप्रपात बस सफ़ेद संगमरमर हेतु प्रसिद्ध है जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात एकमात्र जलप्रपात है जो संगमरमर की चट्टानों से बना हुआ है। भारी वाहन कारखाना कहाँ है? जबलपुर में। गन गैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर से लिया जाता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में कहाँ हुई थी? जबलपुर में। इसे न्यायिक राजधानी भी बोला जाता है। किसे? जबलपुर को न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी तथा महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी कहाँ है? जबलपुर में। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1964 में बना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में। याद रखिए मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना हुई 1964 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, ये जबलपुर में। त्रिपुरा ऐतिहासिक नगरी है जो कलचुरियों की राजधानी थी। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ कहाँ? त्रिपुरी में। तिगवा नामक गांव में त्रिपुर सुंदरी देवी माँ का मंदिर प्रसिद्ध है जो जबलपुर जिले में है। रूपनाथ में अशोक का अभिलेख मिला है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है जबलपुर। मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है जबलपुर 82.5%। महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है? जबलपुर में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ट्रेनिंग सेंटर क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ है? जबलपुर में। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में यह गौड़माना क्षेत्र का मध्य बिंदु था जबलपुर। इसे महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है जबलपुर को। तिलवाड़ा घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रभावित की गई थी। 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में। तिगवा में गुप्तकालीन विष्णु मंदिर, बरेला में दुर्गावती समाधि है जबलपुर में ही। वर्दी गांव में रानी अवंतीबाई बांध नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में। थल सेना शस्त्र स्कूल कहाँ है? जबलपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर में है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 में हुई। लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र कहाँ है? जबलपुर में।
मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। बीड़ी उद्योग महत्वपूर्ण केंद्र है जबलपुर में। जबलपुर आम जिला घोषित है। प्रदेश की सरकार संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? जबलपुर को याद रखिए। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? जबलपुर को। और न्यायिक राजधानी भी जबलपुर को कहा जाता है, ठीक है। संस्कार राजधानी और न्यायिक राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित होता है। गंगऊ दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ है? जबलपुर में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है 91.40% जबलपुर। जनसंख्या घनत्व है 472 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ये जबलपुर का। अब जबलपुर संभाग में अगला जिला है हमारा कटनी। कौन है? कटनी जिला। तो कटनी की जनसंख्या है 12,91,684। कटनी जिले का क्षेत्रफल है 4,950 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई कटनी जिले की? तो 1998 में, जबलपुर से अलग करके। उपनाम क्या है कटनी का? चूना नगरी, मार्बल नगरी कटनी को कहा जाता है। यहाँ रेलवे जंक्शन मुंडवारा के नाम से प्रसिद्ध है कटनी जिले में। ACC सीमेंट फैक्ट्री कैमूर में है, जो कटनी जिले में ही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है कटनी में। सरकारी क्षेत्र का कीटनाशक दवाई बनाने का संयंत्र कटनी में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में चूने का सर्वाधिक उत्पादन कटनी में होता है। कैन नदी है कटनी में ही। देश की पहली, याद रखिए, हमारे भारत देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान यहीं की थी, महापौर थी ये, ठीक है। कमला जान महापौर थी कटनी की। कर्नल स्लीमन ठगी पिता का उन्मूलन करने वाले के नाम पर स्लीमनाबाद नगर कटनी जिले में है। बहुरीवन प्रसिद्ध धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल है, ये कटनी में ही है। शांतिनाथ की 12 फीट की ऊंची जयंती स्थल की मूर्ति कटनी में है। बिलहारी पुष्पावटी नगर दीवान ए अकबरी में अबुल फजल वखान है, यहीं कटनी में। रूपनाथ मौर्यकालीन स्थल, पाली भाषा में अशोक का अभिलेख, 5 लिंगी शिव प्रतिमा, 3 पवित्र कुंड रामकुंड सीताकुंड लक्ष्मण कुंड कहाँ है? कटनी में। टीग वन, यहाँ पर ओरछा वीर आला उदल ने माधवगढ़ के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का अभिलेख है कटनी। झीन झरी रंगीन चित्रित 14 विशाल चट्टाने हैं प्रागैतिहासिक काल की कटनी में। अब जबलपुर संभाग में अगला जिला है हमारा सिवनी। तो सिवनी की जनसंख्या है 13,78,876। क्षेत्रफल है सिवनी का 8,758 वर्ग किलोमीटर। समुद्री घोड़े की आकृति वाला जिला है सिवनी। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। मैरोथान का मेला लगता है सिवनी जिले में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया, इसका नाम प्रियदर्शनी पार्क है जो सिवनी में है। काली मूछ का चावल एवं मावा वाटी के लिए लखना दौन प्रसिद्ध है, जो कटनी जिले में ही है। बैनगंगा नदी मुद्दारा से उद्गमित होती है, ये सिवनी जिले में ही। भीमगढ़ बांध सिवनी जिले में है। बैनगंगा पर एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ मिट्टी बांध है। सिवनी से NH-7 गुजरता है, याद रखिए, सिवनी से NH-7 गुजरता है। सिवनी का नामकरण बहुतायात से उपलब्ध सिनोआ सेओना नाम के वृक्ष पर पड़ा। इस वृक्ष की लकड़ी से ढोलक बनती है। सिवनी सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है सिवनी में। प्रथम PPP आधारित मेडिकल कॉलेज सिवनी में प्रस्तावित है। अब जबलपुर संभाग में अगला जिला है बालाघाट। बालाघाट की जनसंख्या कितनी है?
17,01,156। क्षेत्रफल कितना है बालाघाट का? 9,229 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है कौन? बालाघाट। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा लगती है बालाघाट जिले की। पहले यह जिला शिकारियों का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध था। शिकारियों का स्वर्ग के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध था? बालाघाट। बालाघाट का स्थानीय नाम बुरहा या बुरा था। नेह लेसरा वान चंदन नदी पर निर्मित है तथा इसके निकट अम्मा माई का प्रसिद्ध मंदिर है। आमटा लामटा यहाँ धूती बांध बैनगंगा नदी पर निर्मित है। बालाघाट को मैगनीज की नगरी कहा जाता है। बालाघाट धान उत्पादन शीर्ष जिला है। धान में बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है। बालाघाट में बेगा जनजाति पाई जाती है। भरवेली एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैगनीज खान कौन है? भरवेली बालाघाट में है। बालाघाट में बांस सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात 1021 महिलाएं होती हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है बालाघाट का। मलाजखंड तहसील से तांबा निकलता है, ये बालाघाट में ही है। गंगुल पारा जलप्रपात बालाघाट में ही है। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड बालाघाट जिले में ही है। मिराजपुर व उकवा में मैगनीज की खाने हैं बालाघाट जिले में ही। बैनगंगा बागदेव नदियाँ यहाँ से निकलती हैं बालाघाट जिले से। लांजी का प्रसिद्ध किला जिसे कलचूरी वंश के शासकों ने बनवाया बालाघाट जिले में ही है। कलचूरी कालीन मंदिर है यहाँ पर। रामपायली नामक ऐतिहासिक स्थल चंदन नदी के तट पर है ये बालाघाट में। हट्टा नामक ऐतिहासिक स्थल जो बावड़ी व मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ब्रिटिश कालीन शक्तिशाली जामोदरी थी, ये बालाघाट में। जबलपुर संभाग में अगला जिला है हमारा मंडला जिला। मंडला जिले की जनसंख्या कितनी है? 10,53,522। मंडला जिले की जनसंख्या कितनी है? 10,53,522। क्षेत्रफल कितना है मंडला जिले का? 5,800 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात कितना है मंडला जिला का? तो याद रखिए 1,009 मतलब 1,000 पुरुषों पर 1,009 महिलाएं दूसरे स्थान पर है। पहले पर है बालाघाट, ठीक है। 25 मई 1998 में डिंडोरी को पृथक करके जिला बनाया गया था मंडला। यह एक आदिवासी जिला है। दो राष्ट्रीय उद्यान वाला एकमात्र जिला है मंडला। चुटका में परमाणु विद्युत ग्रह प्रस्तावित है। स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई यहीं की थी। बैगाचक क्षेत्र यहीं पर है। यहाँ फासिल्स उद्यान कुल भाग डिंडोरी में, जो कि प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भगोवा पार्क ये मंडला में। फैन अभ्यारण्य भी मंडला में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यह हालू घाटी मंडला जिले में स्थित है तथा उद्यान का कुछ हिस्सा बंजर घाटी बालाघाट में भी स्थित है। यह एकमात्र राष्ट्रीय है उद्यान है जहाँ हवाई पट्टी स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। मंडला जिले की बात, मोतीलाल बघेलिन महल कहाँ है? बालाघाट मंडला में, याद रखिए। मोतीलाल बघेलिन महल कहाँ है? मंडला में। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है मंडला। नर्मदा नदी से घिरा हुआ है तथा इसे नदियों का द्वीप कहा जाता है मंडला को। मंडला जिले की रामनगर तहसील पहले गौड़ राजाओं की राजधानी थी। प्रसिद्ध शनि मंदिर कहाँ है? मंडला जिले में, ठीक है, याद रखिए। बात करते हैं
जबलपुर संभाग में अंगली जिला है। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर क्षेत्रफल कितना है नरसिंह? सबसे पहले जनसंख्या देखते हैं, तो जनसंख्या कितनी है नरसिंहपुर जिले की? 10,92,141। क्षेत्रफल कितना है नरसिंहपुर का? तो इनकी 5,133 वर्ग किलोमीटर। राज्य का मध्यवर्ती जिला है, याद रखना, नरसिंहपुर। बरवान का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं नरसिंहपुर में? तो डमरू घाटी, विशाल शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग है, नरसिंहपुर का किला, बरमान घाट कहाँ है, ये सब नरसिंहपुर जिले में। सोयाबीन एवं गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है नरसिंहपुर। जाट सरदार द्वारा नरसिंह भगवान का विशाल मंदिर बनवाया गया था यहाँ। अरहर उत्पादन में प्रथम जिला है नरसिंहपुर। वरहाटा महाभारत कालीन विराट नगरी है नरसिंहपुर। बलथारी, यहाँ पर भीम कुंड और अर्जुन कुंड है, कहाँ? बलथारी में, जो नरसिंहपुर जिले में है, भीम कुंड और अर्जुन कुंड। पांडवों ने यहीं पर सतधारा निकाली थी, सतधारा, तथा राजावली की स्थली और बलथारी के निकट ही संकल घाट पर शंकराचार्य जी ने ध्यान किया था। बुहानी, जो नरसिंहपुर जिले में है, आलाउदल के पिता जसराज और चाचा बच्छराज 12वीं शताब्दी में यहीं के राजा थे। बाछी, कीचक की विशाल मूर्ति है जो नरसिंहपुर जिले में है। चौरागढ़, गौड़ राजा संग्राम शाह द्वारा निर्मित भव्य किला है नरसिंहपुर जिले में ही है। जोटेश्वर, परमहंसी गंगा आश्रम जोटेश्वर, लोघेश्वर शिव मंदिर, हनुमान टेकरी, पारे के शिवलिंग, ये कभी कहाँ है? नरसिंहपुर जिले में। ब्रह्मांड घाट, ये कहाँ है? मढ़ी सागर, नरसिंहपुर जिले में। नर्मदा नदी तट पर उपस्थित ब्रह्मा जी की यज्ञशाला, रानी दुर्गावती मंदिर, हाथी दरवाजा, वराह मूर्ति है यहाँ। हिंदी भाषा क्षेत्र में नरसिंहपुर जिला भारत का पहला पूर्णतः साक्षरता जिला है, होने का गौरव 1992 में प्राप्त कर लिया था चुका था। अब बात करते हैं हम लोग, जबलपुर संभाग में अगला जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की जनसंख्या कितनी है सबसे पहले यही बताओ? तो 20,90,306। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, याद रखिए छिंदवाड़ा। कितना है क्षेत्रफल? 11,815 किलोमीटर। जब पहली बार मैंने पढ़ा तो याद रखिए मुझे भी लगा गलत है लिखा हुआ है, लेकिन सही है, 11,815 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है ये। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 3.85% है। छिंदवाड़ा का नाम छिंद व्यक्ष पाम की बहुतायात थी, साथ ही सिंह को बहुतायात के कारण छिंदवाड़ा सिंह द्वार से छिंदवाड़ा पड़ा। छिंदवाड़ा पर प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों का शासन था, जिनको राजधानी नीलकंठ में थी। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भक्त बुलंद ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। अंग्रेजों के पूर्व भोंसले रघुजी तृतीय के नागपुर राज्य का हिस्सा था। बादल कोई आदिवासी म्यूजियम 1954 में स्थापित हुआ, इसमें मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों से संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित किया गया। यह छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा जिला। आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ? छिंदवाड़ा में। एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राज्य द्वारा छिंदवाड़ा में की गई थी। टेक्सटाइल पार्क की घोषणा कहाँ हुई? केंद्र द्वारा, छिंदवाड़ा। रियान इंडस्ट्रीज वस्तुद्योग छिंदवाड़ा जिले में ही है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का कारखाना छिंदवाड़ा में ही है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग इसी जिले में छिंदवाड़े में। यह कोरकू जनजाति भी पाई जाती है छिंदवाड़े में। कोयला, तांबा, मैगनीज का उत्पादन भी होता है छिंदवाड़ा में। लीलाली गाँव के समीप
कान्हन नदी पर निर्मित सुंदर जलप्रपात है। देवगढ़ गौड़ राजाओं की राजधानी मध्य युग में प्रसिद्ध किले के अवशेष हैं यहाँ, जो छिंदवाड़ा में ही है। कोकड़ी खान खापा तिलवेनी पर्वत श्रेणी पर स्थित 60 फीट ऊंचा जलप्रपात है। अनहोनी सल्फर युक्त गर्म पहाड़ी झरना है। कपूरधा कल्याणी देवी का मंदिर है यहाँ छिंदवाड़ा में। पातालकोट छिंदवाड़ा में ही है। तामिया तहसील में स्थित सुदूर वन क्षेत्र है। भारिया जनजाति का घर है पातालकोट। घाटी का 1500 फीट नीचा क्षेत्र है। माना जाता है कि यहाँ से एक सुरंग पचमढ़ी तक जाती है। भारिया के साथ गौड़ों का भी निवास स्थान है पातालकोट। पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है। नगरवाड़ी अनेक गुफाएं मौजूद हैं यहाँ। एक विशाल गुफा में तो हजारों व्यक्ति आ सकते हैं। पंडुरना एक गोटमार मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल जाम नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। सवर गांव और पंडुरना के लोग पत्थर के फेंकते हैं। मेला माँ दुर्गा जी को समर्पित है। ये सभी छिंदवाड़ा में है। अगली बात करते हैं हम लोग शहडोल जिले की। शहडोल संभाग तो इसमें कितने जिले हैं? शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर। तो सबसे पहले चार जिले हैं, याद रखिए, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर। तो सबसे पहले बात करते हैं शहडोल जिला। कितनी जनसंख्या है शहडोल जिले की? 10,64,989। क्षेत्रफल कितना है शहडोल जिले का? 6,205 वर्ग किलोमीटर। सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी एवं शहडोल जिला पर है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? शहडोल में। ओरिएंट पेपर मिल अमलई कहाँ है? शहडोल में। शहडोल में दूरदर्शन आकाशवाणी व DTI केंद्र भी हैं। सुहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र व गुणवत्ता में एशिया का है। ये है शहडोल में देश की पहली किन्नर विधायक, इसे याद रखिए, देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी सोहागपुर से निर्वाचित हुई थी। वाण सागर परियोजना देवलोक नामक स्थान पर है। शहडोल में प्राचीन प्रसिद्ध बूढ़ी देवी माता मंदिर है। शहडोल अंतरा में कंकाली देवी मंदिर में प्रसिद्ध नवरात्रि मेला लगता है शहडोल में। बाणगंगा बटेश्वर मंदिर कलचुरी शासक युवराज द्वितीय द्वारा निर्मित देवी शहडोल में। अब बात करते हैं हम लोग शहडोल संभाग के अगला जिला है डिंडोरी जिला। कौन सा? डिंडोरी। डिंडोरी जिला, इसकी जनसंख्या कितनी है? 7,04,218। स्थापना कब हुई? 1998 से मंडला से पृथक करके बनाया गया था। यहाँ न्यूनतम सिंचित जिला है डिंडोरी। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ पूर्वी जिला है डिंडोरी। जगतपुर इको टूरिज्म, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य सुगा कर्मा रीना बिल्मा यही है। प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व 94 प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कम है डिंडोरी में। लिंग अनुपात में चौथे स्थान पर है। 1,000 पुरुषों पर 1,004 महिलाएं हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। बेगा एवं गोंड जनजाति पाई जाती है डिंडोरी जिले में। सरई पिपरिया, इसका अधिकांश क्षेत्र राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के अंतर्गत आता है डिंडोरी में। फिर है हमारा है अब है अनूपपुर। अनूपपुर जिला है शहडोल संभाग का अगला जिला है अनूपपुर, ठीक है। तो अनूपपुर की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 7,49,521। क्षेत्रफल कितना है अनूपपुर का? 3,747 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 69.1% अनूपपुर की। अनूपपुर जिले की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 2003 को। शहडोल से अलग हुआ था ये। पर्यटन स्थल क्या है अनूपपुर में? माई की बगिया,
माई गांहती, सोनमुड़ा, नवग्रह मंदिर, कबीर चौरा, जलेश्वर महादेव मंदिर, आदिनाथ मंदिर, भृगु ऋषि की गुफा भी है, कपिल धारा जलप्रपात एवं दूध धारा जलप्रपात भी हैं अनूपपुर में। प्रमुख खनिज क्या है अनूपपुर के? तो कोयला, बॉक्साइड अमरकंटक में, फारे के लिए पुष्पा राजगढ़ में, कोतमा कोल माइंस के लिए प्रसिद्ध है अनूपपुर जिले में, वेंकट नगर बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अमरकंटक अनूपपुर जिले में, याद रखिए अमरकंटक है। अमरकंटक मैकाल सैनी पर उपस्थित एक हिल स्टेशन है। अमरकंटक से तीन नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? नर्मदा, सोन, जोहिला। शंभूधारा, दुर्गाधारा, नर्मदा नदी की दो जलधाराएं हैं जो अमरकंटक की पहाड़ियों में हैं। खनिज बॉक्साइड है यहाँ अमरकंटक में। चचाई थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? अमरकंटक अनूपपुर जिले में। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में, अनूपपुर जिले में। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में, अनूपपुर जिले में। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अनूपपुर जिले में, अमरकंटक में। अमरकंटक को पवित्र नगरी नगर घोषित किया गया। नर्मदा मंदिर अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित। इस मंदिर को नागपुर के भोंसले राजाओं द्वारा निर्मित कराया गया, जबकि रीवा के बघेल राजा गुलाब सिंह द्वारा परिक्रमा स्थल निर्मित है। यहाँ यह 20 मंदिरों का समूह है। इसमें महेंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर कंचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया था। जैन धर्म का महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया गया था। यहाँ पर आदिनाथ जैन तीर्थकर की सबसे बड़ी अष्ट धातु की प्रतिमा लगाई गई है अनूपपुर जिले में, अमरकंटक में। फिर बात करते हैं हम लोग शहडोल संभाग के। अंकला जिला है हमारा उमरिया जिला। कौन सा? उमरिया जिला। उमरिया जिला, उमरिया जिला की जनसंख्या कितनी है? 643,579। क्षेत्रफल कितना है उमरिया जिले का? 4076 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 67.3% उमरिया की। उमरिया जिले की स्थापना कभी? 1998 में शहडोल से पृथक करके। हर्रा से भिलाला निकाला जाता है यही उमरिया जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उमरिया जिला में। लाख से चपड़ी बनाने का शासकीय कारखाना कहाँ है? उमरिया जिला में। बांधवगढ़ का किला बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। बांधवगढ़ के किले में शेष शाही तालाब और विष्णु मंदिर हैं यहाँ पर उमरिया जिले में। पानपठा नामक कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये भी हमारा उमरिया जिला में। जोहिला कोयला घाटी कहाँ है? ये भी उमरिया में। ताला नामक प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ है? ये भी उमरिया जिला में है। ठीक है, तो ये था शहडोल जिला, शहडोल संभाग। चलिए, तो शहडोल संभाग देख चुके हैं, अब बात करते हैं हम लोग रीवा संभाग के बारे में। रीवा संभाग, तो चलिए देखते हैं कितने जिले हैं रीवा में। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, याद रखिए 4 जिले हैं रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। अब बात करते हैं सबसे पहले रीवा जिला की। हम लोग रीवा संभाग में रीवा जिला को देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो रीवा की जनसंख्या कितनी है जिले की? 1,73,306। क्षेत्रफल कितना है रीवा का? 6,314 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है रीवा, याद रखिए। उपनाम क्या है रीवा के? सफ़ेद शेरों की भूमि और विंध्य प्रदेश की राजधानी। खनिज क्या क्या पाए जाते हैं रीवा में? जिप्सम, चूना पत्थर, हरसौट, बॉक्साइड, डोलोमाइट, गेरू। जलप्रपात कौन कौन से हैं रीवा में? वियर नदी पर है चचाई जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात, बहुटी। उद्योगों की बात करें रीवा के, तो सीमेंट उद्योग है रीवा में, कत्था उद्योग है।
याद रखिए रीवा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। सुपाड़ी के खिलौने बनते हैं रीवा में। महामृत्युंजय का मेला लगता है रीवा जिले में। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ है? रीवा में। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है? रीवा में। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ कहाँ है? रीवा में। टोंस जल विद्युत टोंस जल विद्युत 315 मेगावाट की है। ये सिरमौर रीवा में ही है। बाढ़ सागर परियोजना का मुख्यालय रीवा में है। रीवा का पूर्व नाम था भया। यहाँ के राजा रामचंद्र के दरबार में तन्ना मिस यानी कि तानसेन था, जिसे अकबर ने प्राप्त किया था। रीवा के अंतिम राजा कौन हुए? भरतेंद्र सिंह। कई बार यहाँ से सांसद चुने गए। 1950 में विंध्य प्रदेश से अलग होकर रीवा बना था। पुलिस मोर्चर्स वर्कशॉप रीवा में है। पुलिस वाहन प्रशिक्षण केंद्र रीवा में है। अलसी के उत्पादन में रीवा जिला अव्वल है। अलसी राज्य के रीवा सतना होशंगाबाद मुरैना आदि जिलों में भी उत्पादित की जाती है अलसी। अब बात करते हैं हम लोग रीवा संभाग में अगला जिला है सीधी जिला। सीधे जिले की जनसंख्या कितनी है? 9,10,000। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है सीधी का? तो 4,851 वर्ग किलोमीटर। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो 2007 में प्रोजेक्ट टाइगर भी बना, ये सीधी में ही है। सोन अभ्यारण्य सोन नदी पर घड़ियाल अभ्यारण्य है सीधी में। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है जिला सीधी। सीधी की भूमि को कोयला या चावल की भूमि भी कहते हैं। चोरहट पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का गृह क्षेत्र था। बगदरा एवं डूंगरी यहाँ की प्रसिद्ध कोयला खदानें हैं। सहरिया जनजाति वाला जिला है सीधी। आगे देखते हैं, अब है रीवा संभाग में अगला जिला है सिंगरौली। ठीक है, क्या है सिंगरौली? सिंगरौली की जनसंख्या कितनी है? 9,20,169। क्षेत्रफल कितना है सिंगरौली का? 5,675। स्थापना कब हुई सिंगरौली की? 24 मई 2008 को सीधी से अलग करके सर्वाधिक पूर्वी जिला है। सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। सिंगरौली का जिला मुख्यालय बेडन में है, जिसे राज्य की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। विंध्याचल ताप विद्युत ताप केंद्र बेडन की 2260 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। सीधी जिले के कुछ हिस्से को अलग करके सिंगरौली जिले का निर्माण किया गया। इनमें 3 तहसीलें हैं, सिंगरौली देवसर और चितरंगी। जिले की पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 100 किलोमीटर है। आगे सिंगरौली के बारे में जानते हैं, तो इसकी सीमा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लगती है। याद रखिए सिंगरौली की सीमा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से लगती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लगती है। नॉर्थ थर्न कोल फील्ड के 9 खदानें संचालित हैं अंतर्गत। यहाँ NTPC का 4,000 मेगावाट शक्ति संयंत्र स्थापित है। सिंगरौली में प्रागैतिहासिक भित्ति चित्र युक्त गुफा मारा स्थित है। सर्वाधिक कोयला राजस्व सिंगरौली से प्राप्त होता है। NMDC 1963 से उत्खनन कर रही है। यहाँ STSC के लिए विशेष न्यायालय भी है। यहाँ 82.5 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। कहाँ से? सिंगरौली से। याद रखिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, जिसे मानक रेखा भी कहते हैं, सिंगरौली से। अब रीवा संभाग में अगला जिला है सतना। सतना की जनसंख्या है 22,28,619।
क्षेत्रफल कितना है सतना का? 7502 वर्ग किलोमीटर। उद्योग कौन कौन से हैं सतना में? सीमेंट उद्योग, जेपी सीमेंट, बीडी उद्योग। चित्रकूट में गधा मेला लगता है सतना जिले में, याद रखिए चित्रकूट का कुछ भाग यूपी में भी है, एकमात्र ऐसा जिला है जो एमपी और यूपी में है चित्रकूट, कुछ भाग एमपी में है और कुछ भाग यूपी में भी है। चित्रकूट में गधा मेला लगता है। मंदिरों की बात करें तो मेहर में शारदा देवी का मंदिर, भूमरा, खोह में गुप्तकालीन मंदिर भी है सतना जिले में ही। खनिजों की बात करें तो चूना, गेरू में शीश उत्पादन जिला है सतना। नदियों की बात करें तो यहाँ मंदाकिनी एवं गुप्त गोदावरी नदी है। चित्रकूट जलप्रपात मंदाकिनी नदी पर है। स्फटिक जिला चित्रकूट में राम के पदचिन्ह है। सती अनुसुईया व अग्निकृति का आश्रम भी है यहीं चित्रकूट में। भरहूत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। भरहूत स्तूप सतना जिले में ही है। चित्रकूट में ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था। चित्रकूट को पवित्र नगर घोषित है। रामबन तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में ही स्थित है। चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है जिसके संस्थापक थे नानाजी देशमुख। विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली मेहर में है। अलाउद्दीन खां की संगीत अकादमी मेहर में है चित्रकूट में ही के पास ही सतना जिले में। अब बात करते हैं अगला संभाग है हमारा सागर संभाग। सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, इसमें 5 जिले शामिल थे। लेकिन याद रखिए अब एक जिला और जुड़ गया, कौन सा? निवाड़ी। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जिला बन चुका है 2018 में। तो टीकमगढ़ जब पढ़ेंगे तभी हम देख लेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सागर जिला की। सागर जिले की जनसंख्या कितनी है? 23,78,295। क्षेत्रफल कितना है सागर जिले का? 10,252 वर्ग किलोमीटर। 7 जिलों से घिरा हुआ है जिला है सागर, ठीक है। सागर में धमोनी ऊर्ष लगता है। नौरादेही अभ्यारण्य भी है सागर में। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, याद रखिए 1946 में बनी थी। राज्य की प्रथम केंद्रीय यूनिवर्सिटी। प्रदेश का वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा उद्यान इसी यूनिवर्सिटी में है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में। जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी, महार रेजिमेंट का मुख्यालय भी है सागर में ही। बीना तहसील के आगा सौद में ओमान के सहयोग से रिफाइनरी लगाई गई। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। फॉरेंसिक साइंस लैब सागर में है। एरड में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख मिला। समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर है, याद रखिए सागर में ये। मंगलगिली जैन तीर्थ भी सागर में है। राहतगढ़ एवं गढ़कोटा का किला भी यही है सागर में। कीटनाशक बनाने का संयंत्र बीना सागर में ही है। गेहूं अनुसंधान सागर में है। स्वान योजना जुलाई 2009 में सागर जिले से शुरू हुई थी स्वान योजना। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी कहाँ है? सागर में ही। अब बात करते हैं हम लोग सागर संभाग में अगला जिला है हमारा छतरपुर। सागर संभाग में छतरपुर के क्या क्या बोला जाता है, उपनाम क्या है? चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जिजाग भुक्ति कहा गया जाता है। मेला लगता है यहाँ छतरपुर में, जल बिहारी का मेला। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं जल छतरपुर में? खजुराहो, धोबेला संग्रहालय, मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध है नौगांव, पांडव प्रपात, रंगभील झील, बेनीसागर बांध, कैन बेतवा संपर्क के तहत दोहन बांध निर्माणाधीन है। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं छतरपुर में? पायरोराइट, पायरोफाइट, डाइस्फोर,
ओकाई छुई मिट्टी, छतरपुर में हीरे के भंडार गिरात हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं खजुराहो की, छतरपुर जिला में ही है। यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया गया। चंदेलकालीन 11वीं शताब्दी में बने थे ये मंदिर। अनेक मंदिरों का समूह है जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। आदिवासी संग्रहालय खजुराहो में है, याद रखिए अभी हीरा संग्रहालय भी खजुराहो में बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जिला है हमारा टीकमगढ़, सागर संभाग में अगला जिला कौन सा है हमारा, टीकमगढ़ जिला। तो टीकमगढ़ की जनसंख्या है 14,44,920, क्षेत्रफल है यहाँ का 5,048 वर्ग किलोमीटर, तालाब और पर्वतों का जिला कहा जाता है टीकमगढ़ को। बुंदेलों की सौर भूमि भी बोला जाता है टीकमगढ़ को। लोक कवियों ईसरुई जगने घाग की भूमि भी बोला जाता है। टीकमगढ़ में दर्शनीय स्थल हैं, बेतवा के किनारे बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा में शहीद स्मारक, राम राजा का प्रसिद्ध मंदिर, जटासंगर तीर्थ, वृद्ध किला, कुकडेश्वर मंदिर जहाँ शिवलिंग का आकार प्रतिवर्ष बढ़ता है, कुंडेश्वर भी बोलते हैं इसे, पायोराजी जैन तीर्थ भी है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती टीकमगढ़ जिले की हैं। हरदौल मेला मनौती यही मांगी जाती है ओरछा में, टीकमगढ़ जिले में ही है। कवि केशव ओरछा के थे। सर्वाधिक तालाबों वाला जिला यहाँ के सभी चंदेल कालीन तालाबों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से हुआ, जिसमें एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में अंदरूनी ढंग से चला जाता है। अब आपको बता दें यही टीकमगढ़ जिले में ये निवाड़ी जिला बना हुआ है टीकमगढ़ से अलग होकर। याद रखिए इसमें कौन कौन सी तहसीलें शामिल हुई, ओरछा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर को मिलाकर बनाया गया। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 20,711 है, क्षेत्रफल है 1,170 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भाषा हिंदी है, जिले का मुख्यालय निवाड़ी में है। ठीक है, निवाड़ी की बात कर रहे हैं हम लोग, निवाड़ी क्षेत्र का पहले टीकमगढ़ का भाग हुआ करता था। 1 अक्टूबर, याद रखिए ये डेट, 1 अक्टूबर 2018 को इसे अलग करके नया जिला बना दिया गया। यह 52वां जिला है एमपी का। इसके अंतर्गत पृथ्वी तहसील की 56 तहसीलें पंचायतें, पृथ्वी तहसील की 56 पंचायतें, निवाड़ी की 54 पंचायतें, ओरछा की 17 पंचायतें शामिल की गई हैं। याद रखिए जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है निवाड़ी, जो 52वां जिला है निवाड़ी, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, निवाड़ी जिले के पहले कलेक्टर श्री अक्षर सिंह होंगे हैं, पहले पुलिस अधीक्षक है मुकेश श्रीवास्तव। तो याद रखिए पहले कलेक्टर को है निवाड़ी के अक्षर सिंह, और पहले पुलिस अधीक्षक कौन है, मुकेश सिंह, मुकेश श्रीवास्तव। इस जिले से बेतवा नदी होकर गुजरती है जिसके किनारे ओरछा नगर बसता हुआ है। ठीक है, निवाड़ी से राष्ट्रीय राजमार्ग 29 व राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 539। तो याद रखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 39, 44 और 539 गुजरते हैं। ठीक है, याद रखिए अब ओरछा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी जिले में आते हैं। ठीक है, अब सागर संभाग के अगला जिला है हमारा दमोह जिला। दमोह जिला की बात करें हम लोग तो इसकी जनसंख्या है 12,63,703। क्षेत्रफल कितना है, 7,306 वर्ग किलोमीटर। रानी दमयंती के नाम पर दमोह
नाम रखा गया था इसका, पाषाणकालीन स्थल सिग्रामपुर घाटिया है। भैंसा के पास निदान कुंड नामक जलप्रपात भी है दमोह जिले में। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य नापाक पिकनिक स्पॉट भी है। नरसिंहगढ़ में लाइम स्टोन है, डायमंड सीमेंट की फैक्ट्री भी है, पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है दमोह जिला। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रमिक दमोह जिले में है। चंदेलों की राजधानी नोहटा रही, नोहटा में ही नोहलेश्वर मंदिर है। कुंडलपुर नामक जैन तीर्थ स्थल बादकपुर प्रसिद्ध शिव मंदिर दमोह जिले में है। बातीगढ़ का किला दमोह में। फारसियन वास्तु कला का उदाहरण है यह। दमोह से कर्तव्य नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है। पत्रकार माधव सप्पे, चित्रकार सैयद हैदर राजा इसी जिले से संबंधित हैं। सिंगरगढ़ में गुलाबों से युक्त झील है, ठीक है, दमोह जिले में ये। अब बात करते हैं हम लोग पन्ना जिले की। सागर संभाग में अगला जिला कौन सा है? पन्ना। तो पन्ना की जनसंख्या कितनी है? 10,16,028। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 7,135 वर्ग किलोमीटर। हीरा उत्खनन के लिए पन्ना विश्व प्रसिद्ध है। जून 2009 में NMDC ने हीरा खनन पुनः शुरू किया। प्रतिवर्ष 80,000 कैरेट उत्पादित होता है यहाँ। पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है। याद रखिए, पन्ने जिले की अजयगढ़ तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है। अजयगढ़ का किला प्रसिद्ध है यही पन्ना जिले में। पन्ना में टी हाउस है। पुरैना में सीमेंट औद्योगिक केंद्र है पन्ना में ये। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि पन्ना व छतरपुर जिले में विस्तृत है, यह प्रदेश का पांचवा टाइगर रिजर्व है। कैन नदी इस उद्यान से गुजरती है। यहाँ कैन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। हाल ही में पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट ने से बाघों को समाप्ति से पन्ना चर्चित रहा है। आंवला के अधिक उत्पादन के कारण पन्ना जिले को आंवला जिला भी बोला घोषित किया गया। पांडव जलप्रपात भी पन्ना जिले में है। प्रसिद्ध बलदेव मंदिर लंदन स्थित पालंस कैथेड्रल की शैली में बना। इटालियन विशेषज्ञ मानली के निर्देशन में ये पन्ना जिले में ही। किला नदी के तट पर पद्मावती या बड़ी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है पन्ने जिले में ही, पन्ना में ही। अब बात करते हैं हम लोग ग्वालियर संभाग के बारे में बात करें तो इसमें ग्वालियर में कितने जिले हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया पांच जिले हैं। कौन कौन से? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, ठीक है। तो ग्वालियर की जनसंख्या कितनी है? 20,30,543। ग्वालियर जिले की बात कर रहा हूँ। 20,30,543। क्षेत्रफल कितना है ग्वालियर का? 5,214 वर्ग किलोमीटर। स्थापना किसने की थी ग्वालियर की? राजा सूरज सेन। कौन से? राजा सूरज सेन ने पवित्र संत ग्वालिया या गाला ऋषि के सम्मान में 8वीं शताब्दी में ग्वालियर की स्थापना की। ग्वालियर में पर्यटन स्थल कौन से? छतरीबाग, ग्वालियर का किला, मान मंदिर, बाड़ा, गुर्जरी महल। मानसिंह तोमर ने प्रेमिका मेघनयनी गुर्जर की याद में बनवाए थे। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। गौस मोहम्मद का मकबरा भी ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में। मोती महल मंडला में भी है और यहाँ भी है ग्वालियर में। जय विलास पैलेस भी है। गोपाचल की दिगंबर जैन मूर्ति भी है। तेली का मंदिर द्रविड़ शैली का है। सूर मंदिर उड़ीसा के सूर मंदिर की नकल पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर जिले में। गजराजा मेडिकल कॉलेज भी है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय एवं महालेखाकार का कार्यालय भी ग्वालियर में। CRPF का प्रशिक्षण केंद्र भी ग्वालियर में। घाटी गांव अभ्यारण्य जिसमें सोन चिड़िया सोन
चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, ग्वालियर जिले में ही है। ठीक है, घाटी गांव अभयारण्य जिसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा भी यही है ग्वालियर में, पर तानसेन समारोह का आयोजन होता है यहाँ पर, जबकि तानसेन की जन्मस्थली थी बेहट। सरोद घर के नाम से स्थापित संग्रहालय जिसे उस्ताद हाफिज अली खान के प्राचीन घर में स्थापित है। ग्वालियर का किला निर्माता है सूरज सेन, किलों का रतन या जिब्राल्टर भी कहा जाता है इसे, बाबर ने संज्ञा दी थी। पूर्व में ग्वालियर को मध्य प्रांत की राजधानी थी। दाताबंदी छोड़ का गुरुद्वारा छठवें गुरु हरगोविंद को जहांगीर ने 2 साल कैद रखा था। किले के अंदर ही इस स्थान पर गुरुद्वारा है। एनसीसी का महिला प्रशिक्षण केंद्र भी ग्वालियर में है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध ग्वालियर से समुदक जैविक फार्म हाउस डबरा ग्वालियर में ही है। देश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में है, 31 अक्टूबर 2009 को बना। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र भी ग्वालियर में है। द्यास लाई के डिब्बे बनाने का कारखाना है यही ग्वालियर में। मानसिक चिकित्सा संस्थान ग्वालियर और इंदौर में है, याद रखिए। मानसिक उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है, तो याद रखिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर ग्वालियर में है, और उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर में। मानसिक चिकित्सा संस्थान भी ग्वालियर और इंदौर में है। यूनिवर्सिटी देख लेते हैं ग्वालियर में, तो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। ग्वालियर में सूचना तकनीकी यूनिवर्सिटी स्थापित है। बहरानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को जैसे समकक्ष डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, ये भी ग्वालियर में। राजा मानसिंह संगीत यूनिवर्सिटी भी ग्वालियर में 2008 में स्थापित हुई थी। विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित हुआ मध्य प्रदेश में, द्वितीय स्थान है इसका। ठीक है, पहला था जबलपुर में बना था, याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है हमारा जिला है अब ग्वालियर संभाग में, अगला जिला है शिवपुरी जिला। शिवपुरी की जनसंख्या कितनी है, 17,25,818। क्षेत्रफल कितना है शिवपुरी का, 10,277 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है। यहाँ मेला कौन कौन से लगते हैं, मीर भूदान का मेला लगता है शिवपुरी जिले में। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है, शिवपुरी जिले में ही। करेरा अभ्यारण्य जहाँ सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, इस उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग तीन गुजरता है, शिवपुरी जिले में ही है। मनिहारी नदी पर सांग सागर एवं माधव सागर बांध है। 2010 में शिवपुरी को मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर घोषित किया गया था। शिवपुरी में नरवर का किला है जो नल दमयंती की कथा से जुड़ा है। तात्या टोपे की समाधि कहाँ है, याद रखिए, तात्या टोपे की समाधि कहाँ है, टोपे की, तो ये है शिवपुरी जिले में। सिंधिया परिवार की छत्तियाँ कहाँ हैं, यह है शिवपुरी जिले में। शिवपुरी से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है, ये देख लिए। पूर्व में इसका नाम शिवपुरी था, शिवपुरी। कत्था बनाने का कारखाना भी शिवपुरी में है। शिवपुरी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। राज्य का पहला परमाणु विद्युत ग्रह भीमपुर में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान शिवपुरी में पाया जाता है। अब ग्वालियर संभाग में बात करते हैं हम लोग गुना के बारे में, गुना जिला के बारे में। गुना जिले की जनसंख्या कितनी है, तो याद रखिए 12,40,938। इसका क्षेत्रफल है गुना जिला के 6,390 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए गुना जिला में तेजा जी का मेला लगता है। विजयनगर में गेल कंपनी है, कहाँ, गुना जिले में। नेशनल फर्टिलाइजर्स विजयपुर यहीं पर है गुना जिला में। अमेरिका इटली के सहयोग से स्थापित हुआ था।
भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र भी गुना जिले में, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन यहीं से निकलती है गुना जिला से। प्राचीन काल में गुना अवंती राज्य का हिस्सा था। 8वीं शताब्दी में राधोगढ़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था। 1948 में गठित मध्य प्रांत के 16 जिलों में से एक गुना जिला था। कुंभराज गुना की महत्वपूर्ण मंडी है, गल्ला मंडी। राधोगढ़ में दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री का गांव है, याद रखिए राधोगढ़ में दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इनका गांव है। बजरंग में प्राचीन किला, हिंदू एवं जैन से संबंधित प्रसिद्ध स्थल भी हैं गुना जिला में। अब बात करते हैं हम लोग ग्वालियर संभाग में, अगला जिला है हमारा अशोकनगर। अशोकनगर की जनसंख्या कितनी है, तो 8,44,979। क्षेत्रफल कितना है अशोकनगर का, 4,676 वर्ग किलोमीटर। अशोकनगर जिला स्थापना कब हुई अशोकनगर जिला की, 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग करके बनाया गया अशोकनगर। चंदेरी का प्रसिद्ध किला है अशोकनगर में, चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध भी है अशोकनगर में ही है। चंदेरी में बीजू बाबरा संगीतकार की समाधि भी है जो अशोकनगर में ही है। मुंगावली में ओपन जेल भी है। आनंदपुर आश्रम सिख समुदाय यहीं पर स्थापित है अशोकनगर में। अशोकनगर जिला पार्वती और बेटमा नदी का जल विभाजक है। मोल बांध कोच बांध पार्वती नदी पर है अशोकनगर में ही। अशोक मोर के नाम पर सिंध व बैतबा नदी के मध्य तिकाल मंदिर में 24 जैन तीर्थकर हैं। लव कुंभ जन्म स्थली स्थल भुवान जनचित सहयोग संप्रदाय का चंदल मठ भी है यही अशोकनगर। चंदेरी बादल महल कोशक महल कहाँ है, अशोक जिले में ही। अशोकनगर ईसागढ़ चंदेरी मुंगावली तहसीलें जिले में है अशोकनगर में। अब बात करते हैं हम लोग दतिया जिला के बारे में, ग्वालियर संभाग में अगला जिला है दतिया। दतिया जिला की जनसंख्या कितनी है, तो याद रखिए 7,86,375। क्षेत्रफल कितना है दतिया का, 2,691 वर्ग किलोमीटर। दतिया का पुराना नाम क्या है, दिलीप नगर, याद रखिए दतिया का पुराना नाम दिलीप नगर है। वीर सिंह बुंदेला द्वारा 17वीं शताब्दी में 7 मंजिला सतखंडा महल का निर्माण कराया गया था दतिया में। इसे पुराना महल या हवा महल या खेतरी महल भी कहा जाता है। प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है 60% दतिया। गुर्जरा ने अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, जहाँ अशोक को का नाम अशोक मिलता है गुर्जरा से। दतिया में पीताम्बरा पीठ भी है, शक्ति पीठ भी है। रतनगढ़ माता का प्रसिद्ध मंदिर है दतिया में। जैनों का तीर्थ स्थल सोनागिरी भी है दतिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है दतिया, याद रखिए 2011 की जनगणना के मामले में बात कर रहे हैं, लेकिन 1 अक्टूबर 2018 में जो निवाड़ी जिला बना हुआ है 2018 में, अब वो सबसे छोटा एमपी में जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में दोनों में है, याद रखिए। कुंदरू सिंह संगीत कॉलेज भी है यहीं दतिया में। अनेक मंदिरों के कारण दतिया को लघु वृंदावन की संज्ञा दी गई है। बगुलामती देवी इमावती देवी मंदिर, मीर में महाभारत कालीन शिव मंदिर भी है दतिया जिले में। यहाँ के किलों में लिखा है कि न्याय मुकुट का हीरा। दतिया भांडे मार्ग पर वनस्पति उद्यान भी है। सेओनधा जलप्रपात सिंधु नदी पर है। भांडेर में गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र भी है। आगे बात करते हैं हम लोग चंबल, कहाँ चंबल संभाग के बारे में, ठीक है। चंबल संभाग में भिंड मुरैना शिवपुर जिले हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है चंबल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भिंड जिला की, तो भिंड जिले की जनसंख्या कितनी है, 17,03,562। क्षेत्रफल कितना है भिंड का, 4,459 वर्ग किलोमीटर। वी भंडक ऋषि की भूमि है ये भिंड। प्रमुख फसल सरसों होती है यहाँ भिंड जिले में।
जमधारा का रेणुका माता मंदिर, ददरौरा सरकार का हनुमान मंदिर भिंड जिले में ही है। भिंडी ऋषि के नाम पर भिंड नाम पड़ा इसका। अटेर किला कहाँ है? भिंड में। भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है, याद रखिए बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है? भिंड जिले को। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर वाला स्थान है भिंड जिला। कम लिंगानुपात में पहला स्थान है, 838 है, 1000 पुरुषों पर 838 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह है मालनपुर, भिंड में ही ये स्थित है। कैडबरी रेनवैक्सी कंपनियां स्थापित हैं भिंड में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील रोन इसी जिले में है। अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है यही भिंड में। मालनपुर में रक्षा उत्पादन हेतु शायन कॉर्प्स इंडिया लिमिटेड का निवेश है। अब बात करते हैं चंबल संभाग में अगला जिला है शिवपुर जिला। तो शिवपुर की जनसंख्या कितनी है? 687,952। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है शिवपुर जिला का? 6,606 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई 1998 में मुरैना से पृथक करके शिवपुर जिले की। अभ्यारण्य कौन सा है? शिवपुर में पालपुर कूनो अभ्यारण्य में अफीकी चीतों का संरक्षण होता है। शिवपुर जिले की फसल कौन सी है? सरसों। शिवपुर कुपोषित जिला है, सबसे ज़्यादा जनजाति यहीं पर पाई जाती है शिवपुर जिले में। इसकी सीमा राजस्थान से लगी हुई है। चंबल नहर सिंचित जिला है शिवपुर। शिवपुर काष्ठ नक्काशी कला केंद्र है, ककेटा डैम भी शिवपुर में। अब बात करते हैं मुरैना जिले की। मुरैना की जनसंख्या है 1,965,137। क्षेत्रफल है 4,988 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का शहद जिला है मुरैना। सिहोनिया में कनकमठ मंदिर व सास बहु अभिलेख स्थित है मुरैना में ही। बटेश्वर में 6 से 7 शताब्दी के मंदिर हैं। बटेश्वर में पर्यटन हेतु विकसित किया जा रहा है। प्रमुख फसल सरसों है यहाँ की भी मुरैना की। गजक हेतु प्रसिद्ध है, याद रखिए गजक हेतु मुरैना प्रसिद्ध है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात है मुरैना का, 639। चंबल नदी के किनारे यहाँ चंबल घड़ियाल परियोजना, यहाँ डॉल्फिनों का संरक्षण भी किया जा रहा है। भीड़ की समस्या इस जिले में भी है। पड़ावली व मितावली ऐतिहासिक स्थल, यहाँ मतावली स्थल महाभारत कालीन है व गुप्तकालीन मंदिर के भी यहाँ अवशेष ज्ञात हुए हैं मुरैना जिले में। मुरैना में औद्योगिक विकास केंद्र कत्था बनाने का कारखाना है, बानमोर मुरैना में ही है। मुरैना में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। KS सरसों तेल कंपनी भी है मुरैना जिले में। कालीन निर्माण हेतु प्रसिद्ध भी जिला है मुरैना। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग मुरैना में स्थापित किया जा रहा है। गुजर सरदार सावला द्वारा निर्मित किला, खूबसूरत बांध सबलगढ़ मुरैना में ही है। प्रागैतिहासिक कालीन 86 गुफाओं की श्रृंखला पहाड़गढ़ में है जो मुरैना में है। चंबल अभ्यारण्य का मुख्यालय भी है मुरैना। नूराबाद जहांगीर कालीन नरवर, क्वारी नदी पर मध्ययुगीन बांध, गुना बेगम का मकबरा भी है यही मुरैना में। चलिए तो ये थे हमारे संभाग और जिले, संभागों को देख लिया और जिलों को। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में।